हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारे लेक्चर का टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड फ्रूट जूसेस। पार्ट वन में बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं और पार्ट टू में कंटिन्यू करेंगे उन्हीं चीज़ों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी प्रॉब्लम्स। E. coli and Enterococci have been isolated from unpasteurized citrus juices, and unpasteurized apple juices have been associated with cryptosporidiosis caused by Cryptosporidium pavum. Unpasteurized citrus juice or unpasteurized apple juice से E. coli और एंटीरोकोकाई को आइसोलेट किया गया, जो कि एक डिसीज़ जो कि है क्रिप्टोस्पोरोडियोसिस, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल देखे गए। ई कोलाई। देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग associated with contamination of fresh apple juice by pathogenic E. coli. बहुत सारे ऐसे केस देखे गए हैं जिनमें कि फ्रेश एप्पल जूस का कंटेमिनेशन हो गया E. coli से, और यहाँ पे फूड पॉइजनिंग की कंडीशन हो गई। जो E. coli इन्फेक्शन करता है वो पैथोजेनिक E. coli होता है, E. coli हमेशा पैथोजेनिक नहीं होता। This organism was found to be able to grow in apple juice with low pH. ये low pH में survive कर सकता था, and it potentially has a low infective dose of 100 cells. और इसकी infective dose भी काफ़ी low देखी गई, इसके लगभग 100 cells ही infection को cause कर सकती हैं। Next है salmonella. Similarly, salmonella is a generally only a problem in fresh unpasteurized fruit juices. Salmonella भी fresh fruits में और unpasteurized fruit juices में ही problems को create करता है ज़्यादातर, due to its low thermal tolerance. क्योंकि इसकी thermal tolerance कम होती है, इसीलिए अगर fruit juices को pasteurized कर दिया जाएगा तो ये thermal tolerant ना होने की वजह से ये वहाँ पे डिग्रेड हो जाएंगे, इसीलिए ये थर्मल टॉलरेंस इनकी कम होती है, तो ये अनपाश्चराइज्ड जूसेस में प्रेजेंट होते हैं। देयर हैव बीन 3 मेजर आउटब्रेक्स ऑफ सालमोनेलोसिस, ये डिसीज है जो कि सालमोनेला के द्वारा कॉज की जाती है, ऑल फ्रॉम अनपाश्चराइज्ड ऑरेंज जूस। जो भी ये प्रॉब्लम्स देखी गई सालमोनेला की, ये अनपाश्चराइज्ड ऑरेंज जूस में देखी गई। सालमोनेला हार्टफोर्ड, सालमोनेला मंचन एंड सालमोनेला टाइफीम्यूरियम वर इन्वॉल्व। ये सालमोनेला की ही तीन वैराइटीज़ हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं इस पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए, एंड द मेन रिस्क फैक्टर वर एसोसिएटेड विद द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोसीजर। जो मेन रिस्क फैक्टर यहाँ पे देखा गया वो ये था कि एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट है उनके फर्टिलाइजेशन के साथ में प्रॉब्लम एसोसिएटेड थी। पुअर डीकंटेमिनेशन ऑफ फ्रूट अकर्ड इन द फैक्ट्री, पुअर क्वालिटी वॉश वाटर वॉज यूज्ड, पेस्ट कंट्रोल विद इन द फैक्ट्री वॉज पुअर, एंड द क्लीनअप ऑफ द फ्रूट बॉक्सेस एंड कन्वेयर वॉज पुअर। ये रीजंस हैं कि इनका ये रिस्क क्यों देखा गया। यहाँ पे मैं हेडिंग नहीं डाल पाई हूँ, स्टिल मैं समझा रही हूँ कि ये रिस्क फैक्टर्स जो हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं। तो अगर जो भी फ्रूट्स हैं फैक्ट्री में, अगर उनका प्रॉपर डीकंटेमिनेशन नहीं किया गया, या फिर जो फ्रूट्स हैं उनकी जो वॉशिंग है वो प्रॉपर नहीं है, या फिर फैक्ट्री में पेस्ट कंट्रोल पुअर है, या इसके अलावा जो फ्रूट बॉक्सेस हैं जो कन्वेयर्स हैं उनकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हुई है,
तो ये कंटेमिनेशन का एक रीजन हो सकता है। प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल मेजर्स। ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शो अ पैटर्न ऑफ ग्रोथ फ्रॉम अ लैग फेज। एक लैग फेज ऐसी होती है, अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो इस ग्राफ में ये होती है लैग, लॉग, और ये फाइनली आती है स्टेशनरी फेज। तो ये जो लैग फेज होती है, यहाँ से ग्रोथ का स्टार्टिंग होता है। लैग फेज से जो बैक्टीरिया है या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ को स्टार्ट करते हैं, फॉलोड बाय एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये जो लॉग फेज होती है, लॉग फेज को ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज बोला जाता है। इसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बहुत बहुत तेजी से ग्रो करता है। आप देखिए ग्राफ किस तरीके से कितना ऊपर बढ़ गया है। एंड अ स्टेशनरी फेज, और लास्ट में आती है स्टेशनरी फेज, जिस पे जो ग्रोथ है वो स्टेबल हो जाती है। जितना काउंट है माइक्रोब्स का वो उतना ही काउंट रहता है, आगे बढ़ता घटता नहीं है, उसको स्टेशनरी फेज बोला जाता है। और स्टेशनरी फेज के बाद में आता है डिक्लाइन एंड डेथ फेज। होता क्या है, यहाँ तक तो होता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज के बाद में ये वाला, ये देखिए कंसंट्रेशन कम होने लगी, इसको बोलते हैं हम डिक्लाइन फेज। और डिक्लाइन फेज के बाद में यहाँ पे एकदम से कंसंट्रेशन जीरो हो गई है, मतलब कि जो भी माइक्रोब है उसकी डेथ हो गई है, इसलिए इसको डेथ फेज बोला जाता है। तो टोटल 5 चीज़ों में ये ग्राफ डिवाइड होता है, लैग, लॉग, स्टेशनरी एंड डिक्लाइन एंड डेथ फेज। ये 5 फेजेस होती हैं, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, इससे अक्सर क्वेश्चंस भी आते हैं। सो नाउ द की इज टू एक्सटेंड द लैग फेज और स्लो ग्रोथ फेज फॉर एनी माइक्रोब्स दैट सर्वाइव प्रोसेस और रिकंटेमिनेट आफ्टर प्रोसेसिंग सो दैट द इंटेंडेड सेल्फ लाइफ कैन बी अचीव्ड। सेल्फ लाइफ को अगर हमें बढ़ाना है तो इसको बढ़ाने के लिए कर क्या सकते हैं, लैग फेज जो होती है उसको बढ़ा सकते हैं। एक नॉर्मल ग्राफ ऐसे बनता है, लेट मी ड्रॉ अगेन। एक नॉर्मल ग्राफ ऐसे आता है, ये लैग फेज है, ये लॉग फेज है, और ये फाइनली स्टेशनरी फेज है। जो लैग फेज है यहाँ पे माइक्रोब्स डिवाइड नहीं होते हैं और ये जैसी भी कंसंट्रेशन है उसी में रहते हैं, लॉग फेज में ग्रो करने लगते हैं। तो अगर इस लैग फेज को बढ़ा दिया जाए, लैग फेज को अगर आप बहुत बढ़ा देंगे, तो आप देखिए ज़्यादातर टाइम तक ये जो माइक्रोब्स हैं ये लैग फेज में रहे हैं, कि उनकी प्रेजेंस तो है लेकिन वो डिवीज़न नहीं कर रहे हैं, ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे तो कंटेमिनेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, इसीलिए ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि लैग फेज को एक्सटेंड करके माइक्रोबियल कंटेमिनेशन से बचा जा सकता है। नेक्स्ट आता है सम प्रिजर्वेटिव रेजिस्टेंट ईस्ट एंड मोल्ड्स डू नॉट जस्ट ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड प्रिजर्वेटिव्स सॉबिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड। कुछ प्रिजर्वेटिव रेजिस्टेंट ईस्ट होते हैं, मोल्ड्स होते हैं, जो कि ऑर्गेनिक एसिड प्रिजर्वेटिव्स की प्रेजेंस में ग्रो नहीं करते, एंड दे कैन ऑल्सो डिग्रेड द प्रिजर्वेटिव। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्रिजर्वेटिव्स को डिग्रेड कर सकते हैं, विच कैन अलाउ अदर स्पॉयलेज ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो एज वेल। और अगर प्रिजर्वेटिव्स डिग्रेड हो जाएंगे तो जिन माइक्रोब्स ने उनको डिग्रेड किया है वो तो ग्रो करेंगे ही, उनके साथ में वो अपने साथ बहुत सारे अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी ग्रोथ करा लेंगे। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड इज नाउ यूज्ड एज मच इन द सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री ड्यू टू द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक्स में बेंजोइक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। कैन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, और ये डीकार्बोक्सिलेशन एस्कॉर्बिक एसिड की प्रेजेंस में देखा जाता है।
विद अ ट्रांजिशन मेटल कैटालिस्ट, एक ट्रांजिशन मेटल कैटालिस्ट और एस्कॉर्बिक एसिड अगर प्रेजेंट है तो बेंजोइक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा अंडर हीट टू प्रोड्यूस बेंजीन। और यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन के द्वारा जो बेंजोइक एसिड है ये बेंजीन का फॉर्मेशन कर देगा। दिस हैज लेड टू इंक्रीज स्पॉयलेज प्रॉब्लम, ये स्पॉयलेज की प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है सिंस बेंजोइक एसिड वॉज मोर इफेक्टिव प्रिजर्वेटिव दैन एस्कॉर्बिक एसिड। ये लाइन मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे प्रॉपर नहीं है। तो यही बताया गया है यहाँ पे कि जो बेंजोइक एसिड है ये जो एस्कॉर्बिक एसिड है उससे अच्छा प्रिजर्वेटिव माना जाता था, लेकिन ये इसका जो ब्रेकडाउन हो गया, डिकार्बोक्सिलेशन हो गया बेंजीन में, इसकी वजह से अब इसको सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल मेजर्स इंक्लूड मेंटेनिंग द क्लीनलीनेस ऑफ इक्विपमेंट। कंट्रोल मेजर्स जो होते हैं ये इक्विपमेंट की क्लीनलीनेस पे भी ज़रूरी होते हैं कि इसको भी मेंटेन करके रखा जाए। कंट्रोल मेजर्स के द्वारा ही जो भी इक्विपमेंट है वो कितना क्लीन है, कितनी क्लीनलीनेस की उसको ज़रूरत है, इस चीज़ को मेजर किया जाता है। इसके साथ ही कंट्रोल मेजर्स के द्वारा द कंट्रोल ऑफ स्टोरेज टेम्परेचर भी किया जाता है कि जिस प्रोडक्ट को आप स्टोर करने जा रहे हैं उसको मिनिमम मैक्सिमम कितना टेम्परेचर होना चाहिए। हॉट वाटर इमर्जन, इसका भी कंट्रोल मेजर्स के द्वारा ही डिटेक्शन किया जाता है। द यूज़ ऑफ केमिकल सैनिटाइजर्स, केमिकल सैनिटाइजर्स का यूज़ करना है या नहीं ये भी कंट्रोल मेजर्स में ही आता है। सर्फेक्टेंट एंड सर्फेस वैक्सेस, अगर सर्फेक्टेंट का यूज़ किया जा रहा है, सर्फेस वैक्सेस का यूज़ किया जा रहा है तो इसको भी कंट्रोल मेजर्स के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना होता है। सरफेस वैक्सेस का यूज़ ज़्यादातर ऑरेंजेस पे किया जाता है। इसके साथ ही यूवी इरेडिएशन भी एक प्रोसेस होती है, इसका यूज़ भी कंट्रोल मेजर्स के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। द केमिकल प्रिजर्वेटिव डाई मिथाइल डाई कार्बोनेट, इसको शॉर्ट में वैल्कोरिन भी बोलते हैं, has been used to cold pasteurize fresh juice products to reduce microbial loading minimizing the use of sulfur dioxide। ये वैल्कोरिन एक केमिकल प्रिजर्वेटिव है जिसका यूज़ कोल्ड पाश्चराइजेशन के केस में किया जाता है और ताकि सल्फर डाइऑक्साइड के यूज़ को भी मिनिमाइज़ किया जा सके और माइक्रोबियल लोडिंग को भी कम किया जा सके। Sampling for microbial problems. In order to be able to understand and characterize the cause of any problems, effective sampling must be undertaken. अगर sampling proper नहीं होगी तो कोई भी problem क्यों हो रही है, उसकी characteristics क्या हैं, इनके detection में problem आ सकती है, इनकी understanding easy नहीं होगी अगर effective sampling नहीं की गई होगी। The main sites to be inspected for dominant microflora include drains, raw material stores, filler heads, and near the filler soap lubricant from jets, electric motor fins, bottle tracks, ultraviolet insecticutor, soap baths, capping system, swabs from brushes, squeegees, and floor cleaners. जो भी माइक्रोफ्लोरा है जो इन्फेक्शन कर रहा है उसको इंस्पेक्ट अगर करना है तो ऐसे ही नहीं, आप किसी भी जगह पे उसको इंस्पेक्ट तो कर सकते हैं लेकिन जहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं
कि आप वहाँ पे अगर अपना टेस्टिंग करते हैं तो आपको माइक्रोफ्लोरा मिलेगा, और उसके क्लीनलीनेस के लिए आप स्टेप्स ले सकते हैं। तो वो जगह होती हैं जैसे कि ड्रेन्स है, रॉ मटेरियल स्टोर्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं प्लेसेस जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं सोप लुब्रिकेंट फ्रॉम जेट्स, इलेक्ट्रिक मोटर फिन्स हैं, बॉटल ट्रैक्स हैं। इन सारी चीज़ों पे, इन सारी जगहों पे अगर आप इंस्पेक्शन करेंगे डोमिनेंट माइक्रोफ्लोरा का, तो वहाँ पे आपको इजिली पता चल जाएगा कि कोई भी पैथोजेनिक माइक्रोब्स वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। अब आता है आइडेंटिफिकेशन स्कीम्स एंड इंटरप्रिटेशन। सबसे पहला है सैंपल आइसोलेशन। वंस सैंपल हैज बीन टेकन, इट इज इम्पॉर्टेंट टू टेक देम टू अ लैबोरेटरी फॉर एनालिसिस एज क्विकली एज पॉसिबल। जब सैंपल्स ले लिए हैं आपने, तो जितनी जल्दी हो सके उनको एनालिसिस के लिए लैबोरेटरी में ले जाना चाहिए। टू अवॉइड एनी चेंजेस टू दी माइक्रोबियल फ्लोरा, ताकि माइक्रोबियल फ्लोरा में कोई भी चेंज ना हो सके। सैंपल चिलिंग इज ऑफन यूजफुल टू प्रिवेंट एनी फर्दर ग्रोथ। किसी भी ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए आप चिलिंग का यूज कर सकते हैं। बट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड अ डिक्रीज माइक्रोबियल काउंट एज वेल। ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो डिक्रीज माइक्रोबियल काउंट है उसको भी अवॉइड किया जाए। ऑल द मोलिकुलर आइडेंटिफिकेशन मेथड्स आर नाउ द नॉर्म, इट इज स्टिल जनरली नेसेसरी टू आइसोलेट द टेंटेटिव स्पॉयलेज एजेंट्स फ्रॉम द सॉफ्ट ड्रिंक मैट्रिक्स, द इनग्रेडियंट्स और द इन्वायरमेंट। जो मोलिकुलर मेथड्स होते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो नॉर्मली मेथड्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी हो जाता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो स्पॉयलेज एजेंट्स हैं, उनको आइसोलेट किया जाए। जो सॉफ्ट ड्रिंक मैट्रिक्स है, जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, या फिर जिस इन्वायरमेंट में वो ड्रिंक है रखी, उस इन्वायरमेंट का भी आइडेंटिफिकेशन किया जाए। और वहाँ पे किसी भी तरीके का अगर स्पॉयलेज एजेंट मिलता है तो उसको आइसोलेट किया जाए। इट इज़ रिकमेंडेड इनिशियली टू आइसोलेट द कल्चर ऑन अ जनरल पर्पज मीडियम। एक जनरल पर्पज मीडियम पे कल्चर को आइसोलेट किया जाए बिफोर एनी मोर सेलेक्टिव मीडिया इज यूज। अगर किसी भी सेलेक्टिव मीडिया को यूज़ करना है तो उसके यूज़ से पहले ही जनरल पर्पज मेथड का यूज़ किया जाना चाहिए। इन केस ऑफ एनी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डैमेज्ड इन एनी वे। अगर ऐसा कुछ देखा जाता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डैमेज हो गया है या कुछ भी, तो सेलेक्टिव मीडिया को यूज़ करने से पहले ही उनको जनरल पर्पस मीडियम पे यूज़ ग्रो कराना चाहिए। तो वो तो था मोलिकुलर मेथड, अब देखते हैं नॉन मोलिकुलर मेथड्स। ईच ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्स मीडिया एंड ग्रोथ कंडीशंस टू ऑप्टिमाइज रिकवरी एंड ग्रोथ। हर प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर मीडिया और ग्रोथ कंडीशंस की जरूरत होती है ग्रोथ के लिए। इफ द सैंपल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कंटेमिनेटेड विद अ वैरायटी ऑफ माइक्रोबियल ग्रुप्स, अगर ये ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो सैंपल है उसमें बहुत सारी वैरायटी के माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, बट ईस्ट और मोल्ड आर प्राइमरी सस्पेक्ट, लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें ईस्ट और मोल्ड्स के होने के चांसेस हैं, सो इट कैन बी यूजफुल टू यूज़ सेमी सेलेक्टिव आइसोलेशन मीडिया। इनके लिए सेमी सेलेक्टिव आइसोलेशन मीडिया का यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल डिकोलोरेन रोज बंगाल एंड डिकोलोरेन 18% ग्लिसरॉल एगार, ये सेमी सेलेक्टिव मीडिया हैं और ये उस केस में यूज़ किए जा रहे हैं जहाँ पे सस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हों और प्राइमरी सस्पेक्ट के फॉर्म में ईस्ट और मोल्ड्स प्रेजेंट हों। फॉरेंसिक ग्रुपिंग इन्वॉल्व्स कंसिडरेशन ऑफ सिंपल बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
एज एविडेंस फॉर डिसीजन मेकिंग. जो फॉरेंसिक ग्रुपिंग होती है, इसका कंसिडरेशन लिया जा सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर को समझने के लिए और डिसीजन मेकिंग के एविडेंसेस के लिए. द डेटा ऑब्टेंड इंडिकेट ग्रोथ सिग्निफिकेंस एंड टेंटेटिविटी रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन. जो डेटा मिलता है उसके द्वारा ग्रोथ सिग्निफिकेशन और टेंटेटिव रिकॉग्निशन को ऑब्टेन किया जा सकता है. This approach to identification has been superseded in part by molecular identification techniques. अब आता है molecular identification. The advent of molecular identification techniques have simplified the diagnostic processes. जो molecular आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स का एडवेंट हुआ, इन्होंने डायग्नोस्टिक प्रोसेस को बहुत सिंपलीफाई कर दिया. बहुत इजीली अब माइक्रोब्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं. इस टॉप पर्टिकुलरली डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई बाय ट्रेडिशनल मेथड्स के द्वारा ईस्ट को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. रिक्वायरिंग ग्रोथ फिजियोलॉजी एंड सम सिंपल फिजिकल डिटर्मिनेंट्स टू बी मेजर. और इसके साथ ही इनकी ग्रोथ, इनकी फिजियोलॉजी और कुछ फिजिकल डिटरमिनेंट्स को मेजर भी डिफिकल्ट होता है. कंक्लूजन्स पे चलेंगे हम. देयर इज एन ईवर इंक्रीजिंग रेंज ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत स्पीड में बढ़ रही हैं. बहुत सारी वैरायटीज सॉफ्ट ड्रिंक्स की कंटिन्यूअसली आ रही हैं. न्यू एंड अनयूजुअल इन्ग्रेडियंट्स, नई क्वालिटीज़ होने के साथ साथ जो अनयूजुअल इन्ग्रेडियंट्स हैं उनका भी यूज़ किया जा रहा है. नई नई प्रोसेसिंग टेक्निक्स का यूज़ हो रहा है. अ रिक्वायरमेंट फॉर लाइटर प्रोसेसिंग एंड फ्यू प्रिजर्वेटिव्स. लाइटर प्रोसेसिंग और कम से कम प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करके भी सॉफ्ट ड्रिंक्स को कैसा बनाया जाए, ये टेक्निक्स भी आ चुकी हैं. With a concomitant increase in chilled products, और ज़्यादातर chilled products में एक increase देखा गया है. There is still a need, अभी भी यहाँ पे कुछ ज़रूरतें हैं. However, for the involvement of an experienced microbiologist in order to be able to interpret the data from any troubleshooting exercise and any identification made from isolation. यहाँ पे एक एक्सपीरियंस्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत हो सकती है, ताकि जो भी डेटा आपको मिला है, जो भी ट्रबल शूटिंग एक्सरसाइज हुई है, जो भी आइडेंटिफिकेशन किए गए हैं आइसोलेशंस करने के बाद में, उनके प्रॉपर इंटरप्रिटेशन के लिए एक्सपीरियंस्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ताकि इनको डिटेक्ट किया जा सके. Traditional methods still have a place for the isolation and purification phases. कुछ जगहों पे traditional methods का भी use किया जाता है, ताकि microbes को isolate किया जा सके और purify किया जा सके prior to any identification, किसी भी identification से पहले. It is vital that a pure culture is obtained for molecular identification or the results can be meaningless. ये भी देखा जा सकता है कि कोई भी मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन जो कि प्योर कल्चर से मिला है, उसके रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं हो सकते या मीनिंगलेस हो सकते हैं. वन एडवांटेज कैन बी दैट अ रैपिड टेंटेटिव डायग्नोस्टिक कैन बी मेड प्रायर टू कंफर्मेशन. ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ करने में फ़ायदा ये है कि कोई भी टेंटेटिव डायग्नोसिस की जा सकती है कन्फर्मेशन से पहले. Control of contamination still relies upon the need for a hygienic work environment. Contamination का control इस पर depend करता है कि hygienic working environment की need क्या है, which includes the fabric, equipment, ingredients, people and working practices, जिसमें कि
हाइजीनिक वर्किंग एनवायरनमेंट में फैब्रिक आ सकते हैं, जो भी इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं वो आ सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, जो लोग वहाँ पे वर्क कर सकते हैं वो हो सकते हैं, एज वेल एज जो वर्किंग प्रैक्टिसेस हैं वो भी हो सकती हैं। द इंक्रीजिंग एम्फेसिस ऑन क्लीन लेबल्स मीन्स दैट प्रिजर्वेटिव यूज इन डिमिनिशिंग इन द हाई वैल्यू सेक्टर। ये ज़्यादा देखा जा रहा है कि जो हाई वैल्यू सेक्टर्स हैं वहाँ पे प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ कम हो रहा है, और कम से कम प्रिजर्वेटिव्स की मदद से ही एक कह सकते हैं कि डीकंटेमिनेटेड ड्रिंक को तैयार किया जा सकता है। The increased use of exotic ingredients and complex mixtures of fruits and vegetables for juices means that the microbiologist must be aware of the potential changes to the microflora that this could bring. जो exotic ingredients का use किया जा रहा है और fruits and vegetables के mixtures को use किया जा रहा है, उसके लिए ये कहा जा सकता है कि जो भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं उनको इस चीज़ से अवेयर होना चाहिए कि चीज़ों के मिक्सचर से या एग्जॉटिक इंग्रेडिएंट्स के यूज़ से माइक्रोफ्लोरा में किसी तरीके का चेंज तो नहीं हो रहा है, या फिर कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है कि ये माइक्रोफ्लोरा जो है उसमें चेंजेस ला सकती है और पैथोजेनिक माइक्रोब्स को लेके कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ा सकती है। Some of these fruits will be sensitive with a greater likelihood of contamination with HRM or other problem organisms. कुछ fruits ऐसे होंगे यहाँ पे जो sensitive होंगे और यहाँ पे contamination के ज़्यादा से ज़्यादा chances होंगे, and with a reduced natural preservative effect. और यहाँ पे जो natural preservatives हैं उनका effect बहुत कम देखा जाएगा, और ये condition होगी due to their higher pH. जब pH बहुत ज़्यादा होगा तो जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो अपना प्रॉपर इफ़ेक्ट नहीं शो कर पाते हैं, और अगर प्रिजर्वेटिव्स अपना इफ़ेक्ट ही नहीं शो कर पाएंगे तो प्रिजर्वेटिव्स तो वर्क ही नहीं कर पाएंगे, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी ग्रोथ कर लेंगे, और फाइनली जो भी प्रोडक्ट है आपका, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक है, जो फ्रूट जूस है, उसको कंटेमिनेट कर देंगे HRM से, या फिर कुछ बहुत सी अदर प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। Thank you very much, everyone.